हेलो एवरीवन, बच्चों हम लोगों ने वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन भी शुरू किया था। और इसके पहले टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन का हम लोगों ने दो क्लास किया और उन दो क्लास की बात पहले करेंगे, फिर आज हम लोग को क्या पढ़ना है उसकी बात हम लोग शुरू करेंगे। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोगों ने जो पहली क्लास की थी उसमें बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा, टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूले को भी देखा। सेकेंड क्लास में उन फॉर्मूले को यूज़ करे क्वेश्चन भी सॉल्व किया ताकि वो फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है वो भी अच्छे से में क्लियर हो जाए। तो ये बात है पहले दो क्लास की जो हम लोगों ने रिलेटिव मोशन टू डायमेंशन में सीखा, बहुत एकदम फंडामेंटल लेवल पर है ये सब चीज़ें। और क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर पे इन सब चीज़ों की हमको बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी, तो इसलिए बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्लास जो बेसिक है वो हम लोग अच्छे सीख लिया। उम्मीद है सारे बच्चों ने देखा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो उन दोनों क्लासेस को प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दिया है, उन दोनों क्लास को जा कर के पहले देखो, उसके बाद फिर यहाँ से बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो हमें टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हमको चाहिए वो हम लोगों ने इसके पहले की दो क्लास में कर लिया है, तो मेक श्योर कि वो दो क्लास बहुत अच्छे से क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर है ताकि आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना है। तो ये तो बात होगी उन दो क्लास की जो हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़े हैं। अब आज की क्लास की बात करते हैं, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जैसे कहते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, आज से हम लोग उस प्रॉब्लम को शुरू करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन बहुत अलग अलग वैरायटी के बनते हैं, तो आज हम लोग पहले बात करेंगे, बहुत बेसिक बात करेंगे कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे पूरा फिजिक्स इसमें अप्लाई होता है और हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है बिफोर मूविंग टू द कंडीशंस। कुछ कंडीशंस वाले क्वेश्चन में आते हैं जैसे रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर हमें क्रॉस करना हो या शॉर्टेस्ट टाइम में हमें क्रॉस करना हो या फिर कोई और कंडीशन जहाँ पे ऐसे ही रिवर को क्रॉस करना होगा, ये सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुमको इसमें देखने को मिलते हैं। मगर उन अलग अलग टाइप्स पे जाने के पहले जो बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज सीखेंगे कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ताकि जो कंडीशंस वाले क्वेश्चन फिर आएँ तो वहाँ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर आगे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे करेंगे भी, ठीक है। चलो तो सपोज दैट ये एक रिवर मैंने बनाया, ठीक है, ये नदी के दो किनारे हैं और ये उसमें के बीच में एक फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। अच्छा एक बात और, मान लो अगर ये तो मैंने रिवर तुम्हारे सामने बनाया है और ये जो एरो देख रहे हो ये रिवर के पानी का फ्लो है, ठीक है, रिवर का ये फ्लो है। इन केस मान लो अगर नदी में फ्लो ही नहीं हो, पानी उसका रुका हो, स्टिल वाटर हो, फ्लो नहीं हो, तब क्या होगा? पहले फ्लो है वो तो पढ़ना ही है, अगर फ्लो नहीं हो तो क्या होगा? तो बात को समझो पहले। इन केस मान लो कि अगर हम किसी रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं कैसे भी और मान लो उसमें फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, शांत जल है एकदम, तो जब भी किसी रिवर में स्टिल वाटर की बात होगी, रुके हुए पानी की बात होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलता है जहाँ पे रिवर के पानी में फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर है, तो वहाँ पर अगर कोई स्विमर कोई बोट इस रिवर को पार करने का अगर शुरू करेगा तो जिस डायरेक्शन में शुरू करेगा उस डायरेक्शन में ही वो अंत तक उसको मेंटेन करके जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा क्योंकि इस रिवर में फ्लो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं बनते, ये एक्चुअल में ग्राउंड पे चलने के इक्विवेलेंट वाला केस हो जाएगा विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिस डायरेक्शन में वो स्टार्ट करेगा शुरू से लेकर अंत तक वो उस डायरेक्शन में जाएगा अगर फ्लो नहीं है तो ऐसे में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जब रिवर में फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर है, तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, उसकी बात हम लोग को नहीं करनी है, एकदम भूल जाओ उसको।
यहाँ पर जो रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग को मिलेंगे उसमें रिवर में फ्लो होगा, तभी क्वेश्चन में कुछ बात बनेगी, वरना फिर वो ग्राउंड पे मैंने कहा ना, अगर फ्लो नहीं है रिवर का तो जैसे शुरू करोगे वैसे एकदम जाओगे, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो ग्राउंड पे कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, उसकी बात हम लोग को नहीं करनी है। अभी दिमाग में बस तुमको ये लेकर चलना है कि जिस रिवर को पार करने की बात होगी, एक बोट, एक स्विमर कोई भी है, उस रिवर में फ्लो होगा, तब जा कर के उसमें कुछ बढ़िया से कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो हम लोगों ने उसी को लेकर चलना है। तो ये एक रिवर है, ठीक है। इसकी विड्थ, चलो हम लोगों ने कुछ मान लिया कि इस रिवर की विड्थ, रिवर की चौड़ाई इस डी, रिवर की विड्थ डी है, ठीक है। और जो एरो देख रहे हो ये नदी के पानी का फ्लो का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर पे एक सपोज दैट यहाँ पर पे एक बोट है, यस, इसको मैं भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिख दे रहा हूँ मैं कि विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू डी, ठीक है। मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करूँगा, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो रिवर की विड्थ इज इक्वल टू डी है। इस किनारे पर एक स्विमर है, विड्थ इज इक्वल टू डी। मान लो यहाँ पर एक स्विमर है या कोई बोट है, कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, और वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। कैसे क्रॉस करना चाहता है, अभी मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ। मैं अभी एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बस रिवर को क्रॉस करना है। तो ये जो स्विमर है वो उस इस रिवर को क्रॉस करने के लिए यहाँ से किसी पॉइंट से चलना शुरू करता है। तो ये हो गया स्विमर का डायरेक्शन, ठीक है। याद रखना, जिस वेलोसिटी से स्विमर इस रिवर में एंटर करेगा, शुरुआत करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, तैरना शुरू करेगा, स्विमर तैरना शुरू करेगा, बोट इसमें शुरू करेगा, जो भी है, जो भी वेलोसिटी से ये स्विमर, मैं स्विमर ही लेता हूँ, है ना, स्विमर बोट कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि हमें से बहुत लोगों को स्विमिंग करना आता भी होगा तो हम लोग अच्छे से उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाव चलाना भले ना आता हो, स्विमिंग तो बहुत लोग को आती होगी। तो एक स्विमर है, इसको इस नदी को क्रॉस करना है, और वो इस वेलोसिटी से इस गिवन डायरेक्शन में थीटा एंगल, मैंने मान लो थीटा, मान लो थीटा एंगल पे, थीटा कहाँ से, ये फ्लो का दिशा है, तो नदी के फ्लो से थीटा एंगल पर, ज़्यादातर हम लोग एंगल जो बात करेंगे वो रिवर के फ्लो के से ही बात करेंगे, ठीक है। तो रिवर के फ्लो से थीटा एंगल पर ये स्विमर इस रिवर को क्रॉस करने का शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें एकदम ध्यान रखनी है, जिस वेलोसिटी से ये स्विमर शुरुआत करेगा वो उसकी वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में होगी। तो जिस वेलोसिटी से कोई भी स्विमर या बोट नदी में शुरुआत करता है, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में होती है। तो ये हो गया VSR, VSR मतलब स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। अब इस स्विमर को मान लो दो ऑब्जर्वर अलग अलग जगहों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक पहला ऑब्जर्वर मान लो कि एक ये नाव है, ठीक है, और यहाँ पर पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है ऐसे, ठीक है, और ये जो नाव है वो नदी के बहाव के साथ बह रही है। इस बोट का अपना कोई वेलोसिटी नहीं है, ये रिवर के फ्लो से ही आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो रिवर के वेलोसिटी के बराबर, अच्छा रिवर की वेलोसिटी मैं लिख दूँ, ये रिवर की वेलोसिटी है, वी कॉल इट VRG, R मतलब रिवर, G मतलब ग्राउंड, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है। तो ये जो बोट है, ये जो छोटा सा बोट है इस नदी में आगे जा रहा है, इस बोट की अपनी वेलोसिटी नहीं है, ये रिवर के फ्लो से ही आगे बढ़ रहा है। अगर रिवर में फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे स्टेशन ही खड़ा होगा। इसका कहने का मतलब मैं ये तुमको बताना चाहता हूँ कि ये जो
ऑब्जर्वर है, लेट अस कॉल इट ऑब्जर्वर वन, ठीक है, इसको ऑब्जर्वर वन कह देते हैं, ठीक है। जो ऑब्जर्वर वन है उसकी वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी के बराबर है, रिवर के फ्लो के वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। तो रिवर के फ्लो के साथ साथ वो आगे बढ़ेगा, तो ये जब भी इस स्विमर को देखेगा, ठीक है, तो ये जो देखेगा स्विमर को वो रिवर के रिस्पेक्ट में ही मानी जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी रिवर के बराबर है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर जो भी देखेगा इस स्विमर को, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि वो रिवर के अंदर है, रिवर के सरफेस पे है और उसकी वेलोसिटी से ही साथ साथ चल रहा है, तो वॉट एवर इट विल ऑब्जर्व विल बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वर मैं और लेता हूँ, मान लो एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे खड़ा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, लेट अस कॉल इट ऑब्जर्वर नंबर टू, और ये ऑब्जर्वर भी इस स्विमर को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। तो दो ऑब्जर्वर हैं, एक रिवर में है और एक ग्राउंड पे है, ग्राउंड में जो है वो रेस्ट में है और जो रिवर में है वो रिवर के ही वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो जो भी वो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर वो रिवर के रिस्पेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्विमर की वेलोसिटी जिससे वो नदी में तैरना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन तुमको जैसे मैंने बताया कि अगर इस रिवर के पानी में फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर है, देयर इज नो फ्लो, तो स्टिल वाटर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे शुरुआत करेगा वैसे पहुंच गया, काम खत्म, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और चूंकि फ्लो नहीं है तो ये अपने डायरेक्शन से इधर उधर जा ही नहीं सकता, जैसे शुरू करेगा वैसा जा जाएगा, तो वहाँ पे कोई खास क्वेश्चन बनने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मूविंग ऑन हॉरिजन ऑन रेस्ट ग्राउंड, ग्राउंड पे चलने के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं उसमें रिवर में फ्लो है, रिवर के पानी बहाव है और अच्छा खासा बहाव है, ऐसा बहाव है कि स्विमर को परेशान कर सकता है, ऐसा अच्छा खासा फ्लो है। तो इस रिवर में हमको मिल गया फ्लो, और वो फ्लो मान लो इधर है, ठीक है, दिस इज, ये कहो या ये कहो या ये कहो, सभी की चीज़ है। तो अब फिगर देख के समझो, ये स्विमर ने स्टार्ट किया, ये रिवर का फ्लो लगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा चला गया, लाइक दैट, हाँ ऐसा, दिस इज, फिगर देख के समझ जाओगे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये दो वेक्टर मिले तो बन गया वेक्टर सी। तो फिगर देख के बताओ ये विद वैल्यू है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है कि नहीं, यही तुम्हारा रिवर की वेलोसिटी है। तो स्विमर की वेलोसिटी में जब रिवर की वेलोसिटी भी मिल गई तो रिजल्टेंट तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है वो इन दोनों का सम है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किसका, स्विमर की वेलोसिटी जो थी रिवर के रिस्पेक्ट में, और जो रिवर की वेलोसिटी, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी है वो है वी आर जी, ठीक है, दैट इज वी आर जी, और ये भी तुम्हारा वी आर जी ही है, ठीक है, ये जो एरो है ये भी रिवर की वेलोसिटी ही है, बोलना नहीं, वी आर जी। तो ये हो गया स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये हो गया रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसने ये वो वेलोसिटी थी जिसके साथ वो रिवर में तैरना शुरू किया, लेकिन उसमें रिवर का धक्का भी लगेगा, रिवर का फ्लो भी है, और मैंने पहले कहा ठीक ठाक उसका फ्लो है, इतना है कि स्विमर को परेशान कर सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट किया स्विमर ने, यहाँ से धक्का लगा, जस्ट इमेजिन यार, क्या दिक्कत, बहुत सिंपल से बात है, तुम ऐसे शुरुआत कर रहे हो लेकिन अगर रिवर का फ्लो तुम पर लगेगा तो तुम कुछ शिफ्ट नहीं होगे, ऑफकोर्स शिफ्ट होगे। और ये यहाँ के लिए अब तुमको अगर एग्जाम्पल बताओ तो ये अगर टारगेट किया था इस पॉइंट के लिए, अगर टारगेट किया था टी के, टी पर पहुँचना है, तो टारगेट तो किया था टी के लिए,
लेकिन नदी का धक्का लगा और पहुंच गया वो टी डैश पे। तो ये जो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना बेटा, इसी शिफ्ट को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं और वो नाम होता है ड्रिफ्ट, कि स्वीमर अपने टारगेट से कितना खिसक गया। तो जितना खिसकता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ये जो तुमने वेलोसिटी देखी है, ये वेलोसिटी जो स्वीमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में और जो रिवर की वेलोसिटी है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो होती है स्वीमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VSG। VSG का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्वीमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर स्वीमर तो स्टार्ट ऐसे किया, लेकिन इस ऑब्जर्वर को स्वीमर इस लाइन के अलोंग जाता दिखाई नहीं पड़ेगा। जो ग्राउंड में ऑब्जर्वर होगा उसके लिए स्वीमर इस दिशा में अलोंग जा रहा होगा। बात को समझना, दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर वन को दिखाई पड़ेगा कि स्वीमर का डायरेक्शन ये है क्योंकि वो रिवर में है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में जो दिखाई पड़ेगा ओरिजिनल जैसे शुरू किया था। लेकिन जो ग्राउंड पे है उसको स्वीमर की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों का जो रिजल्टेंट है वो दिखाई पड़ेगा। इस बात को एकदम यहाँ बैठा लो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी होती है जो स्वीमर और रिवर का रिजल्टेंट होता है, और जो स्वीमर की वेलोसिटी है रिवर में वो तो रिवर के रेस्पेक्ट में ही है। तो ऑब्जर्वर वन ऑब्जर्वर टू को ये स्वीमर अलग अलग लाइन के अलोंग जाता दिखाई पड़ेगा। आई रिपीट, जो ऑब्जर्वर वन है उसके लिए स्वीमर इस दिशा में जा रहा होगा, और जो ऑब्जर्वर टू है उसके लिए स्वीमर इस दिशा में जा रहा होगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हर क्वेश्चन में तुमको फॉलो होगी। स्वीमर की वेलोसिटी हमेशा दो जगहों से देखी जाएगी, एक रिवर के एस्पेक्ट में, रिवर के एस्पेक्ट में वो होगी जिससे शुरुआत करेगा, दूसरा ग्राउंड के एस्पेक्ट में, ग्राउंड के एस्पेक्ट में वो होगी जो दोनों का रिजल्टेंट होगा। तुम जस्ट इसको इमेजिन भी कर सकते हो यार। एक्चुअली होता क्या है कि अगर तुम में से कोई स्विमिंग करता होगा तो इस बात को अच्छे समझ भी जाता होगा कि अगर कोई स्विमर है वो इस दिशा में तैरता जा रहा है, धक्का लग करके इधर आ गया, तैरना शुरू किया इधर, धक्का लगा इधर आ गया। ये एहसास कभी भी स्विमर को नहीं होता, उसको लगेगा कि हम तो जैसे शुरू किए थे वैसे ही जा रहे हैं। तो स्विमर शिफ्ट हो गया है, स्विमर में ड्रिफ्टिंग हो गई है, ये इसको एहसास नहीं होता। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको पता होगा कि स्विमर की जो वेलोसिटी है वो इस दिशा में जा रहा है, क्योंकि इसके लिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दिखाई पड़ेगा। तो स्विमर की हमेशा दो वेलोसिटी की बात होगी, स्विमर कहो बोट कहो कुछ भी को, हमेशा दो वेलोसिटी की बात होगी, एक वो जो रिवर के एस्पेक्ट में होगी और एक वो जो ग्राउंड के एस्पेक्ट में होगी, और रिवर का तो हमेशा ग्राउंड के एस्पेक्ट में होगा। और जहाँ से स्टार्ट, जिस पॉइंट के अलोंग वो स्टार्ट किया था, अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका मतलब उसको जहाँ था टी पर, लेकिन नदी के बहाव से पहुँच गया टी डैश पे, तो जितना अपने टारगेट से मूव कर गया उसको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग, क्या रिवर के फ्लो से ड्रिफ्ट कर गया, तो ड्रिफ्टिंग होनी बिल्कुल। तो ये जो खिसका है ना, जैसे ये जो नदी के बहाव से खिसक रहा है, ऐसे खिसक गया और खिसक, जैसे आगे बढ़ेगा और खिसकता जाएगा, तो ये जो खिसकने की इसकी जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट, कि उसमें कितना ड्रिफ्टिंग हुई बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर रिवर फ्लो नहीं है तो ड्रिफ्टिंग ज़ीरो होगी, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ पहुँच जाएगा एंड देर विल बी नो ड्रिफ्टिंग, कोई भी उसमें पोजिशन में शिफ्ट नहीं आएगी, वो खिसकेगा नहीं, ड्रिफ्टिंग विल बी ज़ीरो। तो ये एक बहुत सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम में, जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि स्विमर की वेलोसिटी रिवर के स्पेक्ट में क्या होती है और स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के स्पेक्ट में क्या होती है और वो क्यों होती है। जब स्विमर की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड होती है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा ग्राउंड के स्पेक्ट में माना जाएगा, ठीक है, और ऑब्वियसली तुमको इस डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा। और मान लो
थीटा एंगल पे स्टार्ट किया था, लेकिन जाता दिखाई पड़ेगा किसी और एंगल पे, थीटा डैश मान लो। तो स्विमर को तो लगेगा कि हम थीटा एंगल पे स्टार्ट किए, थीटा एंगल पे जाते जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे होगा उसको दिखाई पड़ेगा वो थीटा पर नहीं, वो शिफ्ट हो गया और वो थीटा डैश एंगल पे इस वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये दो अलग अलग जगह है ऑब्जर्व करने की, जिसके हिसाब से हमको देखना होगा। तो ये बहुत क्लियर माइंड में रख लो कि हम लोग स्विमर के स्पेक में होगा तो क्या बोलेंगे, ग्राउंड के स्पेक में होगा तो क्या बोलेंगे। और अगर इनका मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या मुझको मिलेगा फॉर्मूला, वी एस आर इस स्पीड से स्टार्ट किया, इसमें रिवर का ड्रिफ्ट मिल गया, रिवर का फ्लो मिल गया वी आर जी, और इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझको, वी एस जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का देखना, इस फॉर्मूले से हमारे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मगर ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में है। जब भी ऐड करोगे वी एस आर प्लस वी आर जी को हमेशा वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब वन डायमेंशन में तो उनको दिक्कत नहीं थी, किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस मान लिया, अब ये टू डायमेंशन में है तो प्रॉपर डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि वी एस आर का डायरेक्शन किधर है, वी आर जी का डायरेक्शन किधर है, फिर दोनों को ऐड करेंगे तब एक मुझको वी एस जी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो, हमें जनरली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो आज बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, फंडामेंटल एकदम जीरो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का जो एकदम बेसिक होता है वो बता रहा हूँ। ये फिगर तुम्हें समझ गया, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम एकदम क्लियर है, ये फिगर कैसे बना, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये किसके रिस्पेक्ट में, एकदम क्लियर है। जो स्टार्ट करेगा वो रिवर के रिस्पेक्ट में होगा, और रिवर का धक्का लगने के बाद जिधर वो जाएगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, जिसे शुरू करेगा वो हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, एंड वी एस आर प्लस वी आर जी इज इक्वल टू वी एस जी, वैक्टर फॉर्म है देखना। हमें दो तीन चीज़ें पता करनी होती है। सबसे पहले चीज़ कि ये जो स्विमर है या बोट है इस नदी को पार करने में कितना समय लेगा, तो पहला टाइम हम निकालेंगे। दूसरा, स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के स्पेक में कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगा, वैल्यू कितनी होगी। और तीसरा, अपने टारगेट से कितना ड्रिफ्ट करेगा, कितना मूव करेगा। ये दो तीन चीज़ हमको पता होना चाहिए, निकालने का तरीका आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्या निकालना होगा कि इस नदी को पार करने में कितना समय लेगा। दूसरी चीज़, ग्राउंड के स्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। और तीसरा चीज़, ड्रिफ्टिंग, कि जहाँ से शुरुआत जिस पॉइंट पर शुरू किया था वहाँ से कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा। ये सारा चीज़ कैसे निकालेंगे अभी तुमको बताता हूँ। ठीक है, मगर उसके पहले फिगर अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फिगर में क्या चीज़ क्या दिखाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले जैसा कि तुमको मैंने कहा कि जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में है, जब भी ऐड करोगे डायरेक्शन का प्रॉपर ध्यान रख करके ऐड करेंगे। एक आसान तरीका ये होता है कि अपने कन्वीनियंट के लिए इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया चलो एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया चलो वाई एक्सिस। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसमें आई कैप जोड़ देंगे, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसमें जे कैप जोड़ देंगे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में भाई हमको काम करना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में काम करने का तरीका ये भी होता है कि आई कैप जे कैप को यूज़ करें काम किया लिया जाए। ठीक है, तो टू डायमेंशन है तो हमको आई कैप जे कैप से काम होगा, के कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आई कैप हो गया, जे कैप हो गया। ठीक है, याद रखना थीटा वो एंगल है जिस पे स्टार्ट किया था, थीटा डैश वो एंगल है जो ग्राउंड पे खड़े होने वाले ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ेगा। क्लियर है, थीटा क्या, थीटा डैश क्या। अब इसकी जो वेलोसिटी है वी एस आर, जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस वी एस आर को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसके दो कंपोनेंट लूं, तो यहाँ क्या मिलेगा, वी एस आर कॉस थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, वी एस आर साइन थीटा। ठीक है, वी आर जी इस डायरेक्शन में है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं आई कैप जे कैप के हिसाब से, तो क्या लिखूंगा देखना।
वी एस जी मुझको निकालना है। VSG मतलब वेलोसिटी ऑफ सीवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VSG मुझको फाइंड करना है। और VSG क्या होगा? VSR प्लस VRG का रिजल्टेंट। अब VSR और VRG मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करने का एक तरीका यह भी होता है कि आई कैप जे कैप लगा के ऐड किया जाए। तो VSR के मैं दो कंपोनेंट लूँगा, VSR का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा? VSR cos theta। तो VSR cos theta आई कैप लगा दिया, VSR cos theta आई कैप वेक्टर बन गया। VSR यहाँ क्या मिलेगा? sin theta प्लस VSR sin theta j कैप। कर सकते हैं इसको। इस VSR के दो कंपोनेंट ले लिया, एक फ्लो के लॉन्ग, एक फ्लो के परपेंडिकुलर। तो फ्लो के लॉन्ग को क्या बोल दिया? i कैप। और फ्लो के परपेंडिकुलर j कैप। और ये जो VRG है वो तो फ्लो के लॉन्ग है, वही तो फ्लो है। और यहाँ इस डायरेक्शन मैंने i कैप अज्यूम किया है, तो प्लस VRG i कैप बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो, नाउ VSG इज इक्वल टू आई कैप वाले को साथ कर लो, तो VSR cos theta प्लस VRG और आई कैप कर लिया मैंने बाहर, आई कैप वाले को साथ कर लिया, और VSR sin theta j कैप को अलग कर लिया। तो VSG के दो कंपोनेंट मुझको मिल गए, एक आई कैप वाला और एक j कैप वाला। हमें बस एक काम करना है कि इन दोनों कंपोनेंट का रोल देखना है, किस दोनों कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट का क्या रोल है। तो बहुत ध्यान सुनो, ये VSR sin theta किस डायरेक्शन मुझको बताओ, ये जो VSR sin theta है ये बताओ इस फ्लो के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो जो फ्लो के परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट रिवर को क्रॉस कराता है। भाई रिवर को क्रॉस करना होगा तो ऐसे थोड़ी जाओगे, यू मस्ट हैव वन कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तभी ना क्रॉस करोगे यार। अगर तुम्हारा कोई कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है तो उस डायरेक्शन में जा नहीं सकते हो। तो जो कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में है वही रिवर को क्रॉस कराता है। ये बात को एकदम अच्छे समझ लो कि जो कॉम्पोनेंट रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर है वही रिवर को क्रॉस कराता है। अगर तुम्हारा वेलोसिटी इसके फ्लो के लॉन्ग है, कितना भी ज़्यादा हो, कभी ज़िंदगी में रिवर क्रॉस नहीं कर सकते। तुम रिवर को चीरते आगे चले जाओगे, क्रॉस कैसे करोगे? तो क्रॉस करने के लिए ज़्यादा वादा नहीं, सही दिशा में होना चाहिए। यहाँ तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, बार बार इधर उधर करते ही रहोगे, क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि कोई क्रॉस करने के लिए तुमको इधर जाना है, और उधर जाने की तुम्हारे पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहाँ कितना भी तेज हो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये जो कंपोनेंट है फ्लो के लॉन्ग वाला, इसको क्रॉस कराने में कोई रोल नहीं है। ये हम हाँ इसका क्या रोल बताऊंगा, लेकिन क्रॉस कराने की बात पहले ही कर रहा हूँ। देखो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना इन्हीं दोनों कंपोनेंट में छुपा हुआ है। ये जो कंपोनेंट है वो फ्लो के परपेंडिकुलर है, इसके विड्थ के लॉन्ग है, वही क्रॉस कराएगा। तो दिस विल क्रॉस द रिवर, ये जो कंपोनेंट है वो रिवर क्रॉस कराएगा। अब ये दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, जानने के लिए देखो उसका दिशा किधर है। यहां आई कैप लगा हुआ है, ये फ्लो के डायरेक्शन में है। अब फ्लो के डायरेक्शन में आई कैप लगा है तो भाई जिस डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट स्विमर को उस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये कंपोनेंट उधर ले जा रहा था, ये कंपोनेंट इधर लेकर के आएगा, और जो इधर लेकर के आएगा उसी वजह से वो यहाँ से यहाँ चला आया। तो यहाँ से यहाँ जो ड्रिफ्टिंग हुई है, यहाँ से यहाँ आया है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी तभी तो ड्रिफ्टिंग हुई है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही ना होती तो क्या यहाँ से यहाँ पहुँचता? कभी नहीं पहुँचता। तो ये जो ये कंपोनेंट है आई कैप वाला वो उसको फ्लो के लॉन्ग
शिफ्ट किया है। तो दिस विल प्रोवाइड यू ड्रिफ्ट, ये तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, ड्रिफ्ट। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बोट और रिवर के, स्विमर और रिवर के, तो हमेशा देखना कि दो कंपोनेंट तुमको चाहिए स्विमर के, एक फ्लो के परपेंडिकुलर, एक फ्लो के लॉन्ग। एक फ्लो के परपेंडिकुलर जो है वो रिवर क्रॉस कराएगा, और जो फ्लो के लॉन्ग है वो उसको हम टारगेट शिफ्ट कर देगा, और शिफ्ट करना क्या कहते हैं हम लोग, ड्रिफ्टिंग। तो दिस कंपोनेंट विल प्रोवाइड ड्रिफ्टिंग, कितना वो ड्रिफ्ट कर गया, और दिस कंपोनेंट विल मेक द स्विमर क्रॉस द रिवर। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मैं यहाँ से, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैंने क्या कहा कि तुमसे कई चीज़ पूछ सकता है, जैसे इस रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लिया। अच्छा, समय पहले फाइंड कर लेते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो डिस्टेंस है वो विड्थ होगा, तो डिस्टेंस इज डी, और स्पीड, इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला कंपोनेंट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वी एस आर, वी एस आर साइन थीटा। तो ये तो हो गया तुम्हारा टाइम टू क्रॉस द रिवर। दूसरा चीज़ मुझको निकालना है, मान लो ड्रिफ्ट, कि उसमें ड्रिफ्ट कितना हुआ। तो ड्रिफ्ट कौन करा रहा है, ड्रिफ्ट तो ये कंपोनेंट करा रहा है, जो उधर शिफ्ट किया वही ड्रिफ्ट कराएगा। अब तुम बताओ, ये जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, क्या इधर शिफ्ट करा सकता है, कोई मतलब ही नहीं है यार। इस कंपोनेंट का इधर लाने में कोई रोल नहीं है, इस कंपोनेंट का इधर जाने में कोई रोल नहीं है। तो ड्रिफ्टिंग इज बिकॉज ऑफ दिस वन। तो ड्रिफ्टिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इधर डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, दिस इज वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी इंटू टी, और टी यहाँ से निकाल लिए हम लोग, ठीक, यही ना टी वहाँ यूज़ करेंगे। ड्रिफ्टिंग में कितना भाई, जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा वो समय निकाल लिया, इस स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वो आगे बढ़ जाएगा, वही ड्रिफ्टिंग होगी। तो ये हो गया मेरा ड्रिफ्ट, मैं लिख भी दे रहा हूँ उस चीज़ को। तो ड्रिफ्ट को अगर मैं एस बोल दूँ कि ड्रिफ्टिंग इज एस, तो एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझको, वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी, ये तो स्पीड हो गया, इनटू टाइम भी करेंगे, किस चीज़ का टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में ही हमें कैलकुलेट करना है कितना वो शिफ्ट कर गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या है, यही टाइम है। तो इनटू डी अपॉन वी एस आर, डी अपॉन वी एस आर साइन थीटा। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो दो चीज़ तो क्लियर है कि रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा और उसमें ड्रिफ्टिंग कितनी आएगी। तीसरी चीज़, ये वी एस जी का मैग्नीट्यूड और ये थीटा डैश, कि भैया शुरुआत तो थीटा पे किया था लेकिन गया वो किधर, गया वो थीटा डैश पर गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसके वेलोसिटी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसके फ्लो करने का डायरेक्शन भी हमको पूछा जाता है। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, वी एस जी निकाल चुके हो, उसका मॉड निकालना है बस। तो अगर मुझको निकालना हो कि वॉट इज मॉड ऑफ वी एस जी, तो मॉड ऑफ वी एस जी इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी, प्लस वी आर जी का होल स्क्वायर प्लस वी आर साइन थीटा प्लस प्लस प्लस, थोड़ा छोटा पड़ गया, चलो इसको ऊपर लिख दूं मैं, प्लस वी एस आर
VSR साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या था भाई, दिस वॉज डी अपॉन वी एस आर साइन थीटा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये हो गया ड्रिफ्टिंग कितना ड्रिफ्ट करेगा, और ये हो गया वी एस जी का मैग्नीट्यूड। अभी एक चीज़ और बची है, थीटा डैश डायरेक्शन। तो टैन थीटा डैश अगर निकालना हो कि ग्राउंड के स्पेक्ट में किधर दिखाई पड़ेगा, स्टार्ट तो किया थीटा पर मगर ग्राउंड के स्पेक्ट में थीटा डैश पर दिखाई पड़ेगा, तो टैन डैश इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज वी एस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई दिस वन, वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल भी कि कितने एंगल पर जाता दिखाई पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये एक रिवर बोट प्रॉब्लम का एकदम बेसिक है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे, किसी कंडीशन वाले क्वेश्चन बने या किसी बिना कंडीशन कोई क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन में बस यही पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट टाइम हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्विमर का स्टार्ट करने का दिशा, वो उसका मतलब क्या होता है, उसमें रिवर का फ्लो लगा उससे क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया वो क्या है, ये पूरा फिगर अच्छे से क्लियर है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दम थोड़ी है, फिजिक्स तो असल में यहाँ पर है, ये जो तुमको क्लियर था वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर से हल्का सा मैं ब्रीफली रिवाइज कर दूँ, क्या है ये, एक स्विमर था, इसको रिवर क्रॉस करना था, रैंडमली थीटा एंगल पर शुरू किया रिवर को क्रॉस करना, लेकिन जिस रिवर को क्रॉस करना था उस रिवर में फ्लो भी था, फ्लो था तो रिवर का धक्का लगा, ये स्विमर धक्का खा करके अपना हल्का सा डायरेक्शन चेंज हो गया। दो ऑब्जर्वर हैं, एक रिवर में है एक ग्राउंड पे है, जो रिवर में है वो रिवर के साथ साथ चला है, तो इसकी वेलोसिटी रिवर के बराबर है, तो ये हमेशा देखेगा जो उसका ओरिजिनल रिवर के रिस्पेक्ट में था। अगर यहाँ पर स्विमर है, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो हमेशा स्विमर को इस डायरेक्शन में ही देखेगा, हमेशा ऑलवेज, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है, जब भी आगे बढ़ेगा स्विमर यही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये इसको बैलेंस, क्योंकि इसकी स्पीड वही वी आर जी के बराबर है, तो ये तो इसको बैलेंस कर लिया, तो ये जो दिखेगा वो रियल दिखेगा, लेकिन जब इसमें ये मिला तो रिजल्टेंट यहाँ हो गया, ये सेकंड ऑब्जर्वर को नजर आएगा जो ग्राउंड पे खड़ा है। तो ग्राउंड के एस्पेक्ट में जो होती है वो रिजल्टेंट, हम तो बस ऐसे आता है, जो रिजल्टेंट आएगा स्विमर की वेलोसिटी का और रिवर की वेलोसिटी का, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमेशा ग्राउंड के एस्पेक्ट में होगा। तो ये हो गया तुम्हारा वी एस जी। स्विमर की हमेशा या बोट की हमेशा दो वेलोसिटी की बात होगी, एक रिवर के एस्पेक्ट में और एक ग्राउंड के एस्पेक्ट में, तो ये रिवर के एस्पेक्ट में है और एक ग्राउंड के एस्पेक्ट में, और ये इक्वेशन अच्छे से याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर मैंने क्या किया कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो वी एस आर कॉस थीटा वी एस आर साइन थीटा, आई कैप जे कैप लगा दिया, और ये तो आई कैप में था लिख दिया, आई कैप को अलग कर लिया, जे कैप अलग कर लिया। अब ये जो दो कंपोनेंट है, आई कैप और जे कैप, कोई भी वेलोसिटी हो हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, एक फ्लो के लॉन्ग होगा एक फ्लो के परपेंडिकुलर, बस यही दो कंपोनेंट फाइंड करना है किसी भी स्विमर का, एक फ्लो के लॉन्ग एक फ्लो के परपेंडिकुलर, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे पता करोगे, इसमें आई कैप लगाए तो फ्लो के लॉन्ग है, जे कैप लगाए तो फ्लो के परपेंडिकुलर हो गया, जो फ्लो के परपेंडिकुलर है वही रिवर को क्रॉस कराएगा, तो दिस विल मेक द स्विमर क्रॉस द रिवर, और जो फ्लो के अलोंग है वो स्विमर को आगे धक्का देगा, जाओ आगे भागो, तो जो फ्लो के अलोंग है वो कंपोनेंट स्विमर को टारगेट से शिफ्ट कर देगा, और शिफ्टी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। तो कहीं भी ड्रिफ्ट पूछा
तो हमेशा देखना कि फ्लो के अलोंग स्विमर की वेलोसिटी कितनी है, जो होगी दिस विल गिव यू ड्रिफ्ट, तो दिस कंपोनेंट विल गिव यू ड्रिफ्ट। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ये वाला कंपोनेंट लेंगे, पहले क्या दिया, इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट है उसको क्रॉस कराने में कोई रोल नहीं है, और यहाँ जो कंपोनेंट है उसको ड्रिफ्ट कराने में कोई रोल नहीं है। हर कंपोनेंट का रोल पहचानो कि जो रिजल्टेंट है उस वेलोसिटी में कंपोनेंट क्या काम करेगा, एक क्रॉस कराएगा, एक ड्रिफ्ट दिलाएगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं, बस दो काम है यार, एक कंपोनेंट क्रॉस कराएगा, एक कंपोनेंट ड्रिफ्ट कराएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ड्रिफ्टिंग क्या होगी, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड हो गया इंटू टाइम हो गया, और टाइम कौन सा है, टाइम तो वही क्रॉस करने वाला है, तो टाइम यहाँ निकाल लिया था, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका अगर तुमसे मॉड पूछता है कि स्विमर के की वेलोसिटी ग्राउंड के एस्पेक्ट में उसकी वैल्यू बताओ, तो उसका मॉड निकाल लिया दिस स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर। एंगल पूछेगा कि कितने एंगल पर नज़र आएगा, स्टार्ट टू के थीटा पर नज़र कितने एंगल पर आएगा, दैट इज थीटा डैश। तो टैन डैश इज इक्वल टू दिस बाई दिस, वी आर से वी एस आर साइन थीटा डिवाइड बाई वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर जी, टैन डैश इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, ऐसा कर सकते हो। तो ये चीज़ से ही तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे जो हम लोग रिवर डोर प्रॉब्लम करेंगे या रिवर सीवर प्रॉब्लम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, बस इसी पूरे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। तो बिफोर वी मूव टू डिफरेंट कंडीशंस कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, शॉर्टेस्ट टाइम का क्या मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में जो बहुत बेसिक चीज़ था मुझको तुमको सिखाना था कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के बेसिक बात क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ये सीख लिया हम लोगों ने, अब जब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे हम लोग, तो अब इस जो बेसिक पढ़ा है इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें बात करेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करना हो तो वहाँ क्या बात होती है, और वहाँ पे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पूरी क्लास को अच्छे से देख लो, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर लो, ये हाईली हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नीट के लिए, मेंस के लिए, जो क्लास 11th के बच्चे हैं सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन करो, डायग्राम समझो और दो तीन बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ताकि नेक्स्ट क्लास से मिले तो सीधे इस एप्लीकेशन को बस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस क्लास में। अगर फिर भी आज की क्लास में अगर कोई डाउट है, कोई मन में मिसकॉन्सेप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताओ, उसका सलूशन तुरंत तुमको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच।